Hello, 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 hello. Please. क्या हुआ? Hello. अरे यार. क्या खोल दिया? यार बहुत ऊपर ले गया. हमारा हाथ कांप रहा है भाई. क्या किया था उसको? कुछ गावा बिठा था उसको सही किया है. गावा तो बिठेगा तो कौन बिठेगा? गावा तो हम भी हैं. गावा. अरे वाह अरे वाह अरे यार. ओए इतने देख पीछे देख ले. अरे मैंने कुछ बोल दूंगा. इधर कहीं है. उफ ठंडा लग रहा है यार. आज हम लोग दुबई के स्काई वर्ल्ड में आए हुए हैं. यकीन मानिए यहाँ का जो नज़ारा है वो हम आप लोग को दिखाना चाहते हैं. देखिए नीचे जो बच्चे स्काई कर रहे हैं. हम लोग ट्रॉली इसको यहाँ ट्रॉली कहते हैं. ये पूरा स्काई जो अंदर स्काई का नज़ारा है पूरा इस ट्रॉली बैठ के आप देख सकते हैं. अद्भुत नज़ारा है. अद्भुत नज़ारा है यहाँ का. जैसा कि दानिश भाई बोल रहे हैं और मेरे साथ दानिश भाई हैं और सामने पटना के निवासी अंकित जी हैं और सामने के पंक्ति में बैठे हुए माननीय इधर इधर अजय पांडे जी हैं, विजय साहनी जी हैं, नगर निगम के मुमताज भाई, नगर निगम के माननीय मुमताज अहमद जी हैं. आप देख सकते हैं कितना अद्भुत नज़ारा है यहाँ का. अगर आप लोग दुबई आ रहे हैं तो निश्चित एक बार स्काई वर्ल्ड में जरूर आए. आनंद ले इसका. और जानते हो यहाँ पर आने पर नीचे गिराने के बाद देखिए उठा भी रहा है. आनंद हो महसूस जा रहा वो कहीं नहीं आपको ऐसा आनंद मिलेगा. मैं फिर आपको दिखाना चाहता हूँ. इधर देखिए इसी ट्रॉली में हम लोग चल रहे हैं लगातार. ये बहुत बड़े एरिया बना हुआ है. इसका टेम्परेचर -10 degrees है भाई. इसमें आपको देखिए जब हमारा दोस्त लगाएंगे तो सोने मिल जाए. ये बन जा अद्भुत नज़ारा है यहाँ का. यहाँ पे जो हम लोग को आने के बाद जो आनंद महसूस हो रहा है ये दानिश भाई के कर कमलों द्वारा है. ये दानिश भाई अपने मुख से यहाँ के बारे में कुछ जानकारी देंगे. आपको दानिश भाई यहाँ पर आने पर कैसा महसूस हो रहा है? यहाँ आने के बाद अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है. दुबई वाकई जन्नत है. सुना गया था वो आंखों देखा देख रहे हैं हम लोग. स्काई वर्ल्ड में आने पर आपको कैसा महसूस हुआ? अति सुंदर. क्या बात है. तबीयत खुश हो गई. यहाँ आने का दोबारा भी मन करता है. सामने अंकित जी. अंकित जी आपको यहाँ स्काई वर्ल्ड में आने पर कैसा महसूस हो रहा है? ऐसा महसूस हो रहा है कभी नहीं हुआ था. मतलब आपको जैसा फील हो रहा है कि जन्नत में आप आ गए हैं? जी जरूर जरूर. हाँ नेताजी हम लोग का भी ले लीजिएगा. नेताजी पलट के लीजिए. पलट के लीजिए. पलट के घूमिए इधर. ए दुरु एक आदमी है बड़ा दुकान है. हाँ लो है नेता. पकड़िए होते हैं आनंद ले. नेताजी बैग लीजिए. हाय हाय मुमताज भाई आपका ले रहे हैं. पलट के नेताजी बेड़े कर लीजिए तब अच्छा आएगा. अरे वाह नीचे का लेकर नीचे का भी. अरे यार यहाँ तो गिर गया तो धाम से. ये देखा था यार 10 मिनट और गिर भी नहीं करेगा. मार दिन कितना मोटा है बच्चा. कितना बड़ा सुंदर आएगा नीचे का. ओ अंग्रेज. हेलो हेलो. वेरी कूल वेरी कूल. आई एम हार्ड यू आर कूल. नेताजी अरे हम लोग भी हैं सर. आपका बहुत लिए हैं हम लोग. ये आप फ्रंट कैमरा नहीं फ्रंट नहीं बैक कैमरा चालू कीजिए. बैक नहीं चल रहा है. आपको बैक आ रहा पूरा इधर. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आने के बाद ऐसा महसूस होगा जैसा आप स्विट्जरलैंड में आपको जाने को महसूस होता है. एकदम वही यहाँ पर महसूस होता है कि हम स्विट्जरलैंड में आ गए हैं. यहाँ का टिकट इंडियन रुपीज के हिसाब से 6,600 रुपया पर हेड है जो कि आपको स्विट्जरलैंड जाएंगे तो शायद हमको लगता है कि 6,600 रुपये होगा.
2-3 लाख रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। आप दुबई आइए और 300-400 रुपये में स्विट्ज़रलैंड का मजा लीजिए। स्काई दुबई में, ये दुबई के इमीग्रेट मॉल के अंदर ये बना हुआ है। निश्चित रूप से मैं इसको लफ्जों में बयां नहीं कर सकता, ये कितना सुंदर, कितना अद्भुत बना हुआ है। बोलिए बोलिए। मौका मिले तो एक बार ज़रूर आइए लाइफ में, और स्काई वर्ल्ड में तो ज़रूर आइए, विद फैमिली के साथ आइए। अभी तो हम लोग एक फ्रेंड सर्कल में आए हैं, लेकिन अगर ईश्वर ने चाहा तो हम अगले साल पूरे फैमिली के साथ आएंगे। हो गया तरीके। बस सही है। अभी क्या हो गया? अरे बहुत साहब ने झूले इतना बड़ा बना हुआ, झूलते भी उतारिए बंद करें।